उसमें एक बात ये ऐड की गई कि मुफ्ती जो सलमान अजहरी साहब है उनको रिहाई की भी बात की गई, का वक्त मांगा है तो उनको दिया जाए। ये अस्सलाम वालेकुम, हम अभी मुलुंद में हैं, अभी अभी यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ के मुंबई के भी बहुत सारे जो हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे उनको एड्रेस किया, और साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो आला अहदेदार जो थे उनको निवेदन दिया गया। उसमें एक बात ये ऐड की गई कि मुफ्ती जो सलमान अजहरी साहब है उनको रिहाई की भी बात की गई। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने एक महीने का वक्त मांगा है सब चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो वो हरामगिरी महाराज की, उसको अरेस्ट किया जाए, उसके जो कलम लगाए गए हैं उसको चेंज करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़, नितेश राणे जो डेढ़ फूकिया है उसके ऊपर नकेल लगाई जाए और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको भी अरेस्ट किया जाए। और तीसरी चीज़, सलमान अजहरी साहब की रिहाई। तो ऐसा तय पाया है कि गवर्नमेंट ने जब एक महीने का वक्त मांगा है तो उनको दिया जाए। ये इम्तियाज़ जलील साहब का फैसला है, मैं सिर्फ उनका फैसला आपको सुना रहा हूँ जो मुझे समीर बिल्डर साहब के ज़रिए पता चला है। और अभी सबको जहाँ जहाँ पर आप है वहाँ से वापस हिफाजत के साथ वापस लौट जाना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी हिफाजत करते हुए आराम से वापसी की तैयारी कर लीजिए और वापसी के रास्ते पर लग जाइए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, हम लोग और दूसरे वॉलंटियर्स जो जिनके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और बाहिफाजत आपके साथ जो लोग आए हैं उनको पहुँचाने की जिम्मेदारी जो अपने गाड़ियों में जो टीम लीडर है उनकी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हिफाजत से घर पर पहुँचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, यकीनन आपने वीडियो अच्छी तरह देख लिया होगा और जो इस वीडियो में बताया गया है आपने उसको भी अच्छी तरह सुन लिया होगा। आप जानते हैं ये सब क्या है? जान लीजिए, ये सब मुत्तहिद होने का नतीजा है, मुसलमानों का इत्तेहाद है ये। इम्तियाज़ जलील साहब ने जब मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए बोला और मुंबई चलने के लिए बोला तो सारे मुसलमान उनके कहने पर मुंबई पहुँच गए, और जब मुसलमान मुंबई में इकट्ठा हुए तो इम्तियाज़ जलील साहब ने तीन पेशकश रखी, और वो पेशकश ये थी कि पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं तो वो गुस्ताखियाँ ना हो, इस पर कानून बनना चाहिए और किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बकवास ना करे। और दूसरी ये थी कि रामगिरी बाबा, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो कर चुका है, उसको गिरफ़्तार किया जाए, और उसके समर्थक में जो भी था और उसने मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी थी उसको भी गिरफ़्तार किया जाए। तीसरी बात ये कही थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो बेगुनाह जेल में बंद हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उनकी रिहाई हो, वो बाइज्जत बरी किए जाएं, इज्जत के साथ उनको जेल से निकाला जाए। जलील साहब ने ये तीन पेशकश रखी थी। तो आपने जो वीडियो देखा इसके मुताबिक बताया गया है कि इम्तियाज़ जलील साहब से एक महीने का टाइम मांगा, तो यकीन है कि एक महीने के बाद ये सारी पेशकश पूरी की जाएंगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से निकाला जाएगा और रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में सुना।